समस्तीपुर पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी। समस्तीपुर जिला पुलिस के अलावे अन्य जिलों में दहशत फैलाने वाला डब्लू झा को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी, परंतु उसके एक भी सहयोगी तक पुलिस नहीं पहुंची। समस्तीपुर पुलिस कप्तान दीपक रंजन ने इसे चुनौती मानते हुए कार्रवाई को तेज किया और आज 3 नवंबर को डब्लू झा के करीबी व खतरनाक 5 अपराधी को AK-47 कार्बाइन पिस्टल और 31 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर भेजी जेल। पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता के दौरान इसका खुलासा किया। डी न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। कल दिनांक 2/11/17 को कुख्यात अपराध कर्मी डब्लू झा और पप्पू चौधरी, इन दोनों गिरोह के डब्लू झा के बारे में आपको बता दें कि इसको अभी हाल ही में उन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेजा हुआ है। पुराना इनामी बदमाश रहा है अपराधी, तो डब्लू झा और पप्पू चौधरी भी इनामी है। तो गिरोह के सक्रिय अपराध कर्मियों की सूचना उन लोगों को मिली मोरवा में एक जगह पर, ये लोग वहाँ पर एकत्रित होकर अपराध करने का योजना बना रहे हैं। तो इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी, एसटीएफ के साथ संयुक्त छापेमारी भी की गई थी और इस छापेमारी में आशुतोष कुमार उर्फ आलोक कुमार उर्फ मुनचुन उर्फ अंबानी, दूसरा अमन आनंद उर्फ लल्लू उर्फ लंबू, इन दोनों को लोडेड कार्बाइन और पिस्तौल के साथ गोली के साथ उन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया था इस टीम के द्वारा। इनके द्वारा जो निशानदेही की गई उसमें फर्दर छापेमारी करते हुए उस टीम के द्वारा आनंदपुर मोरवा गांव में संजय चौधरी और प्रवीण कुमार चौधरी, इन दोनों के घर पर छापेमारी की गई और वहां से एक लोडेड AK-47 राइफल बरामद की गई। इसी क्रम में इनके एक अन्य साथी संजीव झा भी अलॉट कराने वाला है थाना मुसरी घरारी, इसको भी अरेस्ट किया गया। ये पूरा गिरोह अपराध कर्मियों का गिरोह है जो मुख्यतः डब्लू झा और चौधरी गिरोह का सक्रिय सदस्य हैं। सब इनका मुख्य काम रंगदारी मांगना, हत्या करना और इस तरह के जितने भी अपराध कर्म होते हैं उनका करना है। कन्फेशन में पूछताछ करने पे आगे पता चला कि यहाँ पे जो जनार्दन ठाकुर की हत्या हुई थी असाड़ी ग्राम में दिनांक 18/10/17 को, एक दवा व्यवसायी थे और घर जाने के क्रम में उनकी हत्या हुई थी। पूछताछ क्रम में पता चला कि किस हत्या में इनकी संलिप्तता सामने आई है, उसमें अनुसंधान जारी है और उसमें बाकी लोगों का भी अरेस्टिंग और छापेमारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और जल्दी ही उसमें कार्रवाई कर ली जाएगी। दूसरा, में भी हाल ही में मुजफ्फरपुर में 38,000 रुपये की लूट का मामला सामने आया था। अपने पूछताछ क्रम में उन्होंने बताया कि ये उस लूट में भी शामिल रहे हैं। उस क्रम में भी मुजफ्फरपुर वाले लूट के मामले में भी इनके निशानदेही पे, इनके पूछताछ पे कार्रवाई जारी है। अभी तक इस मामले में 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें आशुतोष कुमार उर्फ मुनचुन उर्फ अंबानी जो गंदा का रहने वाला है, अमानंद उर्फ लल्लू उर्फ लंबू जो मटिहानी बेगूसराय का रहने वाला है और ये इनामी बदमाश भी है, इस पर दर्जनों केस है, इंटरस्टेट क्रिमिनल है ये, संजय चौधरी और प्रवीण कुमार चौधरी जो ताजपुर के रहने वाले हैं इनको, और संजीव झा जो भी इलौत दूसरी घराई का रहने वाला है, इन सबों का नेटवर्क पूरा है। इन सभी 5 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें जो बरामद चीज़ें हैं वो है AK-47 राइफल जो एक मिली है, इसके साथ 10 कारतूस मिला है AK-47 का, कार्बाइन एक मिली है इसके साथ 16 कारतूस मिला है कार्बाइन का, 9mm देसी पिस्टल एक मिला है जिसके साथ 5 कारतूस है, 2 मोटरसाइकिल, 8 मोबाइल फ़ोन और 2 बैग मिला है। मोबाइल फ़ोन में वो सभी हमको सिम प्राप्त हुए हैं और मोबाइल प्राप्त हुए हैं जो रंगदारी मांगने में या हत्या की योजना में इस्तेमाल किए गए। अभी आगे भी इसमें और रेड और छापेमारी जारी है और जो भी इसमें अपराधकर्मी संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी त्वरित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। क्या ये भी सर खुलासा हो पाया कि ये 47 कहाँ कहाँ चली है? इसमें जो भी गिरफ्तार अभियुक्त हैं ये उदयपुर थाना कांड संख्या 108/17 या जून 2017 की घटना है जहाँ पे ये लोग फायरिंग वगैरह किए थे AK वगैरह से। दूसरा, दलसिंहसराय थाना का कांड संख्या 278/17 रंगदारी का मामला है, 279/17 ये भी रंगदारी का मामला है। काशपुर में जो मर्डर हुआ ठाकुर,
उसमें ये लोग संलिप्त रहे हैं। 347-17 का मामला है। दलसिंह सराय में 242-17 आर्म्स एक्ट का केस हुआ था अगस्त में, उसमें ये लोग शामिल हैं। मुसरी घराने में रंगदारी का एक मामला प्रतिबंधित हुआ था 118-17, अभी हाल ही में अक्टूबर में उसमें ये लोग शामिल हैं। इसके अलावा भी और भी आपराधिक हथियार हैं जिनको हम लोग बरामद हथियार कहाँ से और क्या है इसकी कुछ जानकारी। बरामदगी वाले जो भी बिंदु हैं उसमें हमारा अनुसंधान जारी है, पूछताछ कर रहे हैं और अगर कुछ सामने आता तो